भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या भावुक हो गए। मुकाबला शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के दौरान हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू आ गए और उनके आंसू पोंछते हुए तस्वीर वायरल हो गई। हार्दिक T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से लगातार T20 में भारतीय टीम की कमान संभाली है। चोट से वापसी करने के बाद हार्दिक पांड्या IPL में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी और पहले ही सीजन में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। इसके बाद से वह भारतीय टीम में भी कप्तानी के दावेदार बन गए हैं। टीम इंडिया में उनकी दमदार वापसी हुई और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने भारत की कप्तानी भी की। 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार टीम की कमान संभालते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से हार्दिक को आधिकारिक तौर पर भारत का वनडे और T20 टीम का कप्तान बना दिया जाएगा। 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक ने भारत की T20 टीम की कमान संभालते हुए रोहित और विराट को किसी भी सीरीज में T20 टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों दिग्गजों का T20 करियर खत्म हो चुका है और अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी हार्दिक पांड्या भावुक हो गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद हार्दिक ने विराट कोहली के साथ शतकीय साझेदारी की थी। इस साझेदारी के चलते ही टीम इंडिया मैच में वापस आई थी। हालांकि हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में बड़े शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए थे। ऐसे में विराट कोहली ने बड़े शॉट खेलकर भारत को जीत की तरफ पहुंचाया और अश्विन ने भारत को जीत दिलाई। भारत की इस जीत के बाद हार्दिक पांड्या भावुक हो गए थे और उनके आंखों से आंसू आए थे। उनके रोने की तस्वीर और वीडियो काफी वायरल हुए थे। आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।